चंद्रपुर शहर के देसी विदेशी शराब की दुकान और बार शासन नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। इन पर कार्रवाई करने का निवेदन देकर मांग पूरी न होने पर आंदोलन का इशारा राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर उपाध्यक्ष राहुल देवतले ने दिया। चंद्रपुर शहर के देसी और विदेशी शराब के दुकान और बार इन्हें शासन नियम के मुताबिक समय सूची तैयार करा दी थी। उसका उल्लंघन करते हुए समय सूची के अनुसार शराब की बिक्री अवैध तरीके से की जा रही है। इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा देसी और विदेशी शराब की दुकानें खोलने के समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शाखा की ओर से और चंद्रपुर शहर के नागरिकों द्वारा शराब की दुकान के सामने भजन आंदोलन किया जाएगा। ऐसा इशारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से शहर उपाध्यक्ष राहुल देवतले ने राज्य उत्पादन शुल्क चंद्रपुर अधीक्षक को निवेदन देते समय दिया गया। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के शहर उपाध्यक्ष राहुल देवतले, इनके साथ ही राज सिलसिला अभय राउत, नयन डोईफोड़े, शुभम ठाकरे, वसंत पवार, अनिकेत भोयर उपस्थित थे। माननीय श्री धर्मराव बाबा अत्राम यांना निवेदन देण्यात आले होते। निवेदन यासाठी देण्यात आले होते की चंद्रपूर शहरामध्ये जे देशी व विदेशी दारूचे दुकाने आहे, वाईन बार आहे, त्यांना जी भेट दिली आहे शासनाने 11:30 ते सकाळी 11:30 ते रात्री 11:30 पर्यंत, तरी पण त्या वेळेनुसार न खुलता ते वाईन बार 6:00 चालू होतात चंद्रपूर शहरात। यासाठी माननीय धर्मराव बाबा अत्राम यांना निवेदन देण्यात आले होते। त्यानंतर त्या बारमध्ये राज्य उत्पादन शुल्काकडून पलक लावण्यात आले। त्या पलक लावल्यानंतरही त्या पलकाची पायदळ करता चंद्रपूर शहरातले जे वाईन बारवाले मालक आहे त्यांनी आत्ते तोच टायमिंग 6:00 चालू ठेवलेला आहे। याकरिता मी काल राज्य उत्पादन शुल्क व जिल्हाधिकारी साहेब आणि त्यानंतर माननीय श्री एस पी साहेब, त्यानंतर मुख्यमंत्री साहेब यांना निवेदन पाठवले व यानंतरही यांनी हाच टायमिंग चालू ठेवला बारच्या 6:00 तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे व माझ्या चंद्रपूर शहरातील जनतेतर्फे मी त्या बारच्या समोर जाऊन जो टायमिंग राहणार 6:00 टायमिंगमध्ये तिथे जाऊन मी भजन आंदोलन करणार व तीव्र आंदोलन असा जाहीर निषेध करतो त्या बारच्या व तिथे तीव्र आंदोलन करणार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।